हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती के लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को दो पालियों में आयोजित की गई थी, तो ये बहुत बहस छिड़ा हुआ था, तो मैं भी सोचा कि इस पे आपको अपडेट दे दूं। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे कहते हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। मतलब ये जो क्राइम हुआ था उसका एविडेंस मांगा गया था, क्योंकि आयोग सबूत पे ही चलेगा। मान लो ऐसा कोई हो सकता है भ्रम भी फैलाया हो, तो उन्होंने क्या किया, इसको साक्ष्य मंगाया। प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके प्रति उत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहर बंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। ये सब जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें देखेगा दिया जाएगा, विज्ञापन संख्या के तहत विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 के दोनों पालियों को रद्द किया जाता है और उनकी जो पुनः आयोजित की जाएगी मतलब फिर से जो एग्जाम किया जाएगा वो जल्द इनको बता दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आप सब जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो क्लासेज हैं उसको जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।